वेलकम टू बरूज किचन। और आज हम बनाने वाले हैं पिज्जा पराठा, वो भी आटे का। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिए। हमें ले लेना है यहाँ पे प्याज, कैप्सिकम और टोमेटो जो हमने बारीक कट करके रखा है। चीज भी ले ली हूँ मैं यहाँ पे, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आटे को पहले ही सान ली थी। और हमें यहाँ पे आटे का 2 गोला चाहिए क्योंकि हम ये पिज्जा पराठा बनाने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिए कि मैं ये कैसे बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे मकई के आटा चारों तरफ अच्छे से छिड़क दी और उसके ऊपर इसे हमें रोटी के आकार में बेल लेना है। हम यहाँ पे 2 रोटी के आकार में बेलेंगे दोनों आटा के गोले को। तो सबसे पहले मैंने 1 गोले को रोटी के आकार में बेल रही हूँ और उसके बाद दूसरे को भी इसी तरह से सेम तरीके से रोटी के आकार में बेल लेंगे। जब तक हम यहाँ पराठे के लिए रोटियाँ बेल रहे तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप मानेंगे नहीं लेकिन पिज़्ज़ा का जो क्रेविंग्स है वो बिल्कुल दूर हो जाता है अगर आप ये बना के खाते हैं। और ये हेल्दी भी है क्योंकि हम ये आटे का बना रहे हैं और ये बहुत ईजी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों रोटी के आकार में बेल ली हूँ। अब हमें यहाँ पे लेना है चीज़ स्प्रेड। चीज़ स्प्रेड को हम चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और एक बात है कि साइड हम इसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि हमें साइड में दोनों रोटियों को अच्छे से चिपकाना है। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा टॉपिंग को भी चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। या आप घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगे तो आप घर पे बना के भी इसी तरह से पराठा बना सकते हैं। और अब मैं डालूंगी पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, इसे भी अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ से अच्छे से। और उसके बाद अब जो आ रहा है वेजिटेबल्स की बारी, तो मैं यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स ऐसे कट करके रख रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ कॉर्न ऐड कर सकते हैं, आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। आप जो भी वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 वेजिटेबल डाली हूँ और अब मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी और अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड कर दूंगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ये पिज़्ज़ा जैसा लगेगा। और जैसे ही हम ये सारे चीज़ें डाल देंगे हमें डाल देना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो। तो अब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्योंकि ये बहुत ही ईजी आप घर पे बना सकते हैं। आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं, आप ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चे इससे बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी और झटपट नाश्ता की तरह आप इसे खा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम उंगलियों के सहारे से पानी से इसे अच्छे से लगा दे रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हमें एक और रोटी जो हमने बेल के रखा था उसे अच्छे से चिपकाना है और सील कर देना है। तो कुछ इसी तरह से हम उसे चिपका देंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है यहाँ पे, बस ये चिपक जाए रोटी बस उतना ही पानी लगाना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कांटे चम्मच से हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये अच्छे से चिपक चुका है चारों तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से चिपक चुका है, बस हम कांटे चम्मच से इसे अच्छे से चिपका देंगे और ये शेप में भी आ जाएगा। और जैसे ही ये हो गया उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा बनने के लिए तैयार रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना परफेक्ट दिख रहा है अभी ही। अब हमें बस एक पैन लेना है, उसमें बटर डालना है। बटर डालने के बाद हम बटर जैसे ही पिघल जाएगा हम चारों तरफ उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और हमारा जो पिज़्ज़ा पराठा बनने वाला है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से ध्यान से डालना है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वेजिटेबल्स रहते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ा सा टूट गया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट के बाद आप इसे पलट दीजिए और पलटने के बाद ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक चुका होगा। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा पका सकते हैं, थोड़ा क्रिस्पी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा पराठा बनके तैयार है। अब हमें बस इसे कट करना है और देखना है कि हमारा एंड रिजल्ट कैसा आया है। मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी इसे कट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कट हो चुका है। अब बस हमें इसे देखना है कि ये कितना परफेक्ट बन चुका है। कुछ इसी तरह से आप भी पिज़्ज़ा पराठा बनाइए। ये बहुत ही हेल्दी तो नहीं है बट हाँ ये नॉर्मल पिज़्ज़ा से तो अच्छा है क्योंकि इसमें मैदा नहीं है, इसमें आटा है। तो आप घर पर ईजीली इसे बना सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे अकाउंट में है तो आप जल्दी जाइए और चेकआउट कीजिए। आज के लिए इतना ही। ढेर सारे वीडियोस लेके आऊँगी मैं इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।